अगली खबर का रुख करते हैं। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष मनोनीत हुए दुलाराम सहारन जयपुर पहुंचे। यहां पर विभिन्न साहित्यिक चर्चाओं में उन्होंने भाग लिया और लेखकों से अकादमी के कार्यक्रमों पर राय जानी। झालाना स्थित राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से दुलाराम सहारन का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक डॉ बी एल सैनी ने दुलाराम सहारन को गुलदस्ता भेंट करके की। इस मौके पर वरिष्ठ आलोचक राजाराम भादू ने कहा कि अकादमी की ओर से अब गांधी विचारधारा के साहित्य पर काम किया जाना चाहिए। वहीं वरिष्ठ लेखक कृष्ण कल्पित ने कहा कि कथा शिविरों की राजस्थान में बेहद जरूरत है ताकि दूरस्थ इलाकों से साहित्य में प्रतिभाएं निकलकर सामने आए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकार और साहित्यकार फारूख आफरीदी ने स्वागत उद्बोधन किया। इस मौके पर दुलाराम सहारन ने कहा कि राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से आमजन को साहित्य से जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वहीं अकादमी की ओर से अरांगे राघव जन्म शताब्दी पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अकादमी की ओर से दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार भी इसी साल घोषित किए जाएंगे। वहीं संयोजक संदीप मील, जगदीश गिरी, राकेश शर्मा, प्रणु उमेद सिंह के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान की जो समृद्ध साहित्य परंपरा है उसमें कुछ और सोपान जोड़ें, तमाम साहित्यकारों को प्रोत्साहित करें, तमाम साहित्यकारों को हम पुरस्कृत करें, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके मान सम्मान के लिए हम कुछ काम करें, जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनके लिए हम कुछ ऐसी कार्य योजनाएं जो पहले से चल रही हैं उनसे लाभान्वित कर सकें या फिर नई कार्य योजनाएं बनाकर हम उनको लाभान्वित कर सकें।